तो भैया जैसे बात करें जो है अब समाजवादी पार्टी के साथ मिला सब कुछ जनता का सहयोग मिला जी, तो अगला क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा साफ है, हमारी भैया श्रीमती रेखा यादव ब्लॉक प्रमुख मड़ियाहू है और मड़ियाहू के ब्लॉक के अंतर्गत जितने 106 गांव हैं हर गांव में मेरा काम चल रहा है। हर गांव में खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, पुलिया, नाली, ऐसे तमाम काम जो हैं हर एक एक गांव में काम हो रहे हैं और श्रीमती रेखा यादव स्वयं क्षेत्र के भ्रमण करती हैं और जहां भी समस्या है उस समस्या का आकलन करके और उसका निदान कराने की कोशिश करती हैं और उसमें जितना हमसे बन पड़ता है मैं निश्चित रूप से लगातार विकास के हेतु लगा रहता हूं और लगा रहूंगा। पप्पू यादव निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली हैं और ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास जैसे हो रहा है और अधिक हो और मौका मिले और आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए और क्षेत्र का खुशहाली जैसे लोग मेरे साथ क्षेत्र की खुशहाली के लिए क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं और इसी प्रकार लोग लगे रहें इसमें इनका बहुत सहयोग रहता है। क्षेत्रवासियों के साथ तमाम जो है कि उनके आयोजन में उनके फंक्शन में या उनकी गरीबी को देखते हुए कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो पप्पू यादव निश्चित रूप से लगे रहते हैं। जैसे गर्म ठंडी का मौसम है कंबल का वितरण ले आते हैं और करवाते हैं और नोट किया जाता है, हमने क्षेत्र का भ्रमण करके गरीबों का नाम नोट करते हैं और सबको कंबल वितरण का काम ये पप्पू यादव के नेतृत्व में होता है। कल उनको जो है माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने जो है गदा भी भेंट की। जी 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 हाँ, कल माननीय अखिलेश यादव को पप्पू यादव ने गदा भेंट किया, अखिलेश यादव निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया और ईश्वर चाहेंगे तो उनका आशीर्वाद जैसे मिला है और मिलता रहेगा। इसमें भी आप क्या करना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि कल जिस माने खुशहाली के साथ अखिलेश यादव जी का स्वागत किए हैं पूरी गर्मजोशी के साथ सारे लोगों को लेकर के बहुत ही प्रशंसनीय काम है ये। पूरे जिले में सबसे बड़ा जुलूस निकला और 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मड़ियाहू की धरती पर विवेकानंद विद्यालय पर पहुंच करके रामलीला मैदान में सम्मिलित हुए, उनके आगमन की तैयारी करने लगे हम लोग और श्री अखिलेश यादव जी से मैं पुनः विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी इनके सर पर हाथ रखें, इनको टिकट दें, मड़ियाहू की जनता इनके साथ, हर कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं चाहे जो भी कास्ट हो, ब्राह्मण ठाकुर और यादव मोहंडम और छोटी जातियां जो भी हैं सब इनको स्नेह प्यार देती हैं। इसलिए सबसे जिला पंचायत सदस्य पूरे जिले में दूसरे स्थान पर ये सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं और निर्दल होकर के रेखा यादव उनकी भैयहू ब्लॉक प्रमुख पद पे मड़ियाहू की धरती पे काबिज हुई हैं, अच्छे वोटों से लीड की, आधे में अकेले आधे से ज़्यादा वोट पा करके आधे में जो है पार्टी के लोग और सब लोग लड़े, आधे से ज़्यादा वोट पा करके ये विजयी हुई। इसलिए मैं पुनः रेखा यादव का और प्रेम नारायण यादव बाबा जिला पंचायत सदस्य हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैंने श्री अखिलेश यादव जी को जो है आशीर्वाद लेने का अपेक्षा कर रहा हूँ। प्रेम नारायण यादव जी को आशीर्वाद दें, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कल रामलीला के मैदान में आदरणीय श्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हमारी जनता
जो हजारों हजार की संख्या में हमारे साथ चल करके रामलीला के मैदान में पहुंची 15 किलोमीटर पैदल। मैं उनको कोट से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं हृदय की गहराइयों से कि जैसा उन्होंने कल साथ दिया निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय और वंदनीय है। और साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जैसे लोगों ने श्रीमती रेखा यादव मेरी भाइयों को मौका दिया है ब्लॉक प्रमुख चयन करके, मैं यह चाहूंगा कि उस पर खरा उतरने का कोशिश करूं और साथ ही साथ जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की उस समस्याओं को नियमतः मैं देख रहा हूं, स्वयं जाकर के स्थली निरीक्षण करता हूं कि पहले काम कौन होना चाहिए उस काम को कराया जा रहा है साथी। और विकास हेतु मैं निश्चित रूप से दिन रात लगा हूं कि क्षेत्र का विकास हो। और मेरी ब्लॉक मणिया हूं अब तक रिकॉर्ड रहा है, जब से ब्लॉक मणिया हूं में प्रमुख का चुनाव हुआ हर बार जनता ने बैकवर्ड कोटे से ही चयन किया है और यादव का ही चयन हुआ है, अब तक रिकॉर्ड रहा है। एक बार एससी सीट रही तो एससी सीट में श्री राजबहादुर सरोज हुए हैं, बाकी यह महान जनता मणियाहों की बैकवर्ड का ही ध्यान देकर के यादव को चुनाव में जिताने का काम किया है और क्षेत्र का विकास हो यही हमारी जो है कि पूरी रूप पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास कैसे हो, मेरा क्षेत्र कैसे अग्रणी हो, मेरे जनपद में मणियाहों की भूमिका बढ़ चढ़ के रहे यह दिखाई दे मणियाहों की ब्लॉक प्रमुख रेखा यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से क्षेत्र मणियाहों का विकास हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः सबको वहाँ पर पहुँचने वाले मणियाहों की धरती पर रामलीला के मैदान में सबको सारे जनमानस को पुरुष महिलाएं माताएं बहनें गरीब अमीर निर्धन सारे लोगों को मैंने देखा, सबको कोट से प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद देते हुए और सबका आशीर्वाद लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और चाहूंगा इन सबका आशीर्वाद माननीय श्री अखिलेश यादव को मिले और झूठी फासिस्टवादी सरकार का पतन हो। आप देखा ठंडी के मौसम में ये भाजपा की सरकार ठंडी के मौसम में उन्हें पसीना छूट रहा है, ऑलरेडी अखिलेश यादव के कार्यक्रम से उनका पसीना छूट रहा है, उल जरूल बातें कर रहे हैं, बेसुरई बातें कर रहे हैं जिसका कोई बेस न हो। तो झूठे झूठे पाखंड करने वाले लोगों का इस जनता में कहीं स्थान नहीं है, न कभी रहा है न रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेता को प्रणाम करते हुए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए कि जैसा कि उन्होंने किसी चीज़ का परवाह न करते हुए और इस महान जनता के बीच में बस द्वारा भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास के बारे में सोच रहे हैं, चयन कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है, कौन सा क्षेत्र कैसा है और नेता यहाँ का कैसा है, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, इन सारी बातों का वो ज्ञान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देते हुए अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय मुलायम।